वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेवल स्टोरी। मैं भास्कर और मेरी वाइफ नेहा। आज हम लोग जा रहे हैं वन बिहार नेशनल पार्क, वो भी साइकिल से। और आज है संडे का दिन, तो हम लोग अपने संडे की शुरुआत कर रहे हैं साइकिलिंग से। तो हमारे घर से वन बिहार 5 किलोमीटर दूर है। हमारा लगभग 15-16 किलोमीटर की साइकिलिंग का टारगेट है, तो बस हम चलते हैं और घूमेंगे। लेट्स गो। आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज कोहरा भी हो रहा है। यहाँ से बीच का जो रास्ता आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर है क्योंकि दोनों तरफ हमारे यहाँ पर खेत हैं। एक साइड तो खेती की हुई है। अब हम पहुंच गए हैं भदभदा डैम के पास में। यहाँ एक सेंटर में एक डैम आता है भदभदा डैम, जो कि वन विहार के पास में है। ये अभी थोड़ा चढ़ाई आ गई तो साइकिल हमारी स्लो हो गई और हम भी थोड़े से हाफ रहे हैं। और नेहा मैडम तो शायद रुक गई है। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं भदभदा डैम पर और अभी हमने लगभग 5 किलोमीटर की राइड पूरी कर ली है। तो और मैं तो बिल्कुल भी नहीं थकी। आपने देखा ही था, बिल्कुल नहीं थकी नहीं मैडम तो। हाँ। बिल्कुल। यह बोर्ड देख सकते हैं सैर सपाटा, वन विहार के लिए सीधे जाइए, सैर सपाटा के लिए लेफ्ट जाइए। तो यहाँ से हम टर्न लेते हुए चलते हैं, आपको बाहर से तो दिखाई देते हैं। ये अभी हम आ जाते हैं सैर सपाटा के लिए। ये एक्चुअली सैर सपाटा एमपी टूरिज्म के द्वारा बनाया गया एक जस्ट लाइक अ पिकनिक स्पॉट है। काफ़ी सुंदर है, अंदर यहाँ पर ट्रेन भी चलती है बच्चों के लिए। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ सामने ब्रिज है सैर सपाटा का, और यहाँ सुंदर सा तालाब और ढेर सारा कोहरा। आज संडे का दिन है और काफ़ी भीड़ है, और वैसे जनरली भी लोग काफ़ी लोग संडे के दिन इसके अलावा भी आते ही हैं। तो देखिए सामने आ चुका है हमारा वन विहार, हमको यहाँ से टिकट लेना होगा। भोपाल के अपर लेक, जिसे कि बड़ा तालाब कहा जाता है, उसके किनारे पे बना हुआ है वन विहार। वन विहार एक नेशनल पार्क है और इसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क भी कहा जा सकता है। इसे जू के पैटर्न पे बनाया गया है। और अभी हम पहुंच चुके हैं गेट नंबर 1 पे, जिसका नाम है चीकू गेट, जो कि एक शेर की याद में रखा गया। इस गेट का नाम चीकू गेट। तो बस यहाँ से यहाँ पर आपको टिकट लेनी होगी, और अगर आप पैदल आते हैं या फिर यहाँ से साइकिल लेते हैं तो आपको 20 रुपीज़ पे करना होगा। और हम बाहर से साइकिल लेके आए हैं अपने खुद की, तो हमें 30 रुपीज़ की टिकट लेना होगा। तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं हमें कौन कौन से जानवर दिख पाते हैं। हिरन 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 और वो बंदर था, यहाँ से चल के गया है अपने फ्रेंड अपने फैमिली के पास, और उन लोग उधर पे मस्ती कर रहे हैं। गाइस वन विहार में यहाँ आपको काफ़ी एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि टाइगर एंड लॉयन एंड डियर, और यहाँ क्रोकोडाइल से हमको एक हिरन दिख रहा है और कुछ बंदर, काफी सारे मंकीज है जो मस्ती कर रहे हैं आगे। Thank you.
तो मेरी साइकिल की चेन उतर चुकी है और भास्कर जी मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरी साइकिल की चेन वापस से लगा रहे हैं। और इनकी साइकिल खड़ी है ये वाली, ये येलो वाली मेरी साइकिल है और ये सिल्वर वाली भास्कर जी की साइकिल है। एकदम ध्यान मुद्रा में है वो। हमारे सामने जो दिख रहा है वो है सर्प उद्यान यानी कि स्नेक पार्क। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के स्नेक्स हैं जैसे कि कोबरा, पाइथन और पर डरने की बात नहीं है क्योंकि वो सब कवर्ड है। अभी हम साइकिल चलाते चलाते थोड़ा थक गए हैं तो हमने सोचा थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, तो अभी हम एप्पल खा रहे हैं ताकि हमारे अंदर थोड़ी एनर्जी आए और हम फिर आगे साइकिल चलाना स्टार्ट करें। वन एप्पल ईट अ डे, डॉक्टर्स कीप अवे। अबे तो ये जो दिख रहे हैं ये है जंगली सुअर। ये शाकाहारी होते हैं पर घातक भी होते हैं, अगर इनके पास जाओगे तो अपने सिंग से हमला करते हैं, तो बी केयरफुल गाइस। इनके सिंग भी होते हैं पर ये अभी सिंग छोटे हैं। यस, ये उनको सिंग या उनके दांत कह सकते हैं। हाँ। और इनसे दूर रहना ही ज्यादा बेटर होता है। दोस्तों ये है पहाड़ी कछुए जो कि आज अभी मॉर्निंग का समय है तो इनके लिए नाश्ता दिया गया। तो ये है वेजिटेबल्स, बढ़िया मजे से खा रहे हैं। और कुछ टर्टल्स धूप सेक रहे हैं क्योंकि ठंड का टाइम है। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है यही है अपर लेक का वाटर और अभी हम लोग ने आधा रास्ता कवर कर लिया है वन बिहार का। ये जो टोटल डिस्टेंस है वन बिहार के गेट नंबर 1 से लेके गेट नंबर 2 तक के ऑलमोस्ट 5-7 किलोमीटर है। यहाँ आके हमको एक नई चीज पता चली है कि टर्टल और टॉर्टाइज अलग अलग होते हैं। जो टॉर्टाइज है वो ज्यादातर जमीन पर रहते हैं और जो टर्टल है वो मोस्टली सी में रहते हैं। और अभी हमने देखा था स्टार टॉर्टाइज जैसे कि पहाड़ी कछुआ कहते हैं, तो उनके ऊपर स्टार जैसी डिजाइन बनी रहती है। और यहाँ पर काफी सारी बर्ड्स हमको दिख रही हैं। और यहाँ पर खड़ा एक बड़ा सा टाइगर। ये टाइगर से आई थिंक नहीं वो पास दिख रहे थे बिल्ली किसे दिख रहे ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है सांभर और इसके बहुत ही बड़े बड़े सिंग होते हैं और ये हिरण की प्रजाति में ही आता है। देखो यहाँ आ रहा है। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने लायन है, काफी बड़ा है। यहाँ पर एक लायनेस भी है। वो देखो वो ये जो पेड़ के बीच में देखना है।
आपको नमस्कार, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, बड़े 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 हो जाओ। आप देख सकते हैं यह पैंथर का बाड़ा, जिसे कि हम तेंदुआ बोलते हैं हिंदी में। तो ये अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो हो सकता है शायद वो अभी आराम कर रहा होगा, तो अभी हमको यहाँ दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पर तेंदुए का बाड़ा है, तो यहाँ ज़रूर तेंदुए भी हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं वन बिहार के सेकंड गेट पे, यानी कि इसका लास्ट पॉइंट, और यहाँ पर हमने देखे बहुत सारे जानवर, जैसे कि लायन, टाइगर, बियर, और साथ ही हमने देखा यहाँ पर सांभर। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर घर से लेके यहाँ तक अभी 10 किलोमीटर्स का सफ़र तय किया है साइकिल से, तो बस अब हमारा वापस घर जाने का समय हो गया है। और तो गाइस, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। ओके, बाय बाय।